صباح الخير، السلام عليكم جی. भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी और अलबेग भी टाइम पे पहुंच गया है. ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो बस अदील साहब को मैंने कहा ऑर्डर दे दें कुछ खाने के लिए, घर पे आ जाए ऑनलाइन. तो अदील साहब ने अलबेक ऑर्डर दे दिया तो बस इसको हम करने लगे एंजॉय. अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और मस्त. और सुबह जो है, अस्सलाम वालेकुम. यस, गायब हो वालेकुम आज की वजह से. आदिल साहब गायब हुए. मैं आदिल साहब नहीं दिख रहे आज सुबह से. कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सुबह उठते ही बच्चों ने कुरान की क्लास लेने शुरू कर दी और घर पे कुछ था नहीं, मैंने कुछ नहीं पकाया था. और बस वो जो आदिल साहब ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अलबेक, वही आया था बस, और वो खा के आदिल साहब अभी घर पे आए थे. अलबेक अलबेक ऑनलाइन मैंने किया, विद इन 15 मिनट डिलीवरी किया उसने. ये हमदर्द स्टेशन से नहीं किया, अलबेक की अपनी एप्लीकेशन से किया. अच्छा, जद्दा में ये फायदा है. हाँ माशाल्लाह जल्दी आ गए. तो भूख बहुत कस की लग रही थी. गरम था, मैंने गरम गरम था. मैंने यही कहा, मैंने कहा आदिल साहब कुछ भी ऑर्डर कर दें, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और घर में ग्रोसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है. इंशाल्लाह कल फ्राइडे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम कल जो है ना ग्रोसरी भी कर लेंगे. और कल मैं जो है कहीं नहीं निकल पाई और आज हम जा रहे हैं. आज मैं लूँगी अपने किचन के लिए चूल्हा और कुछ पैसेज के लिए थोड़ा बहुत जो सोफ़े हैं वो ख़रीदूँगी, छोटे से छोटे साइज़ में, ताकि रेगुलर बैठ के बच्चे भी टीवी देख सकें आराम से. क्योंकि बैठ के टीवी देखने के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है. वो एक ही सिंगल सोफ़ा पड़ा हुआ है, वो उस पर जो है बच्चे, वो कहता है मैं बैठूँ, वो कहता है मैं बैठूँ. तो इस वजह से मैंने आदिल साहब को कहा कि छोटे मोटे सोफ़े भी देख लेते हैं रेगुलर बैठने के लिए, और देखते हैं और हमें वहाँ पर जाके क्या पसंद आता है. जा तो घर का ही सामान लेने जा रहे हैं और जा वहाँ जाके जो पसंद आएगा. और हिराज भी आप लोगों को विज़िट कराऊंगी दोबारा से आज इंशाल्लाह ताला. ऐसे हिराज के तो मेरे चक्कर लगते ही रहेंगे और आप लोगों को भी मैं विज़िट कराती ही रहूँगी. और वहाँ जो जो प्राइजें मिल रही हैं रिजनेबल प्राइस वो भी बताती रहूँगी, हाई प्राइस भी बताती रहूँगी. और आखिरी चक्कर है बस, सच्ची बजट खत्म हो गया. यानी इसका मतलब है आज मेरे घर का सारा सामान आ जाएगा, जो आदिल साहब ने बोल दिया कि आखिरी चक्कर है ना, सरप्राइज दे रहे हैं मुझे, बोल के कुछ और लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आखिरी चक्कर है. तो इसका मतलब है फिर आज सब कुछ ही मुझे लेकर दे देंगे. और बच्चे नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि गाड़ी खाली है, बच्चे अम्मी के पास छोड़ दिए. वैसे भी हालात ठीक नहीं है बच्चों को लेके जाना, और गर्मी के मारे बच्चों का हाल वहाँ बहुत बुरा हो जाएगा. तो बस नहीं, कोरोना भी बहुत फैल रहा है भाई. यस, तो बस अभी तो पहुँच के वहाँ, फिर मिलते हैं तब के. अभी जो है ना मैं भी इंजॉय कर रही हूँ पेप्सी और यस चॉकलेट. तो बस वहाँ पहुँचते ही फिर इंशाल्लाह आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ. तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय. ये रास्ते से गुजरते हुए हिराज से पहले हमें नज़र आया ये, इन्होंने बर्ड्स रखी हुई हैं. अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. रखी हुई हैं बर्ड्स काफ़ी प्यारी प्यारी, और मैंने आदिल साहब को बोला है लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे देखेंगे. इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं घर में ना. अब देखो क्या मैंने पहले रखी हुई थी इनकी. वाओ ये देखें कितने प्यारे हैं, खूबसूरत. ये मेरा मोहम्मद और ज़ैनब बहुत हैप्पी हो जाएंगे. आवाज़ें भी बड़ी प्यारी प्यारी हैं इनकी. ये 100 में 2 बर्ड्स मिल रही हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह. जिसकी आवाज़ ज़्यादा कोयल होती है ना वो. दो जो है ना रैबिट, रैबिट भी है भैया. ये
ये आवाज प्यारी निकाल रहे हैं ना। ये किनारी है, ने ले लिए और आशा इनायत को मिल जाएगा सरप्राइज बहुत बड़ा पापा की तरफ से। ये हम पहुंच चुके हैं और ये हैं मजलिस स्टाइल न्यू सोफास, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, न्यू स्टाइल के आए हुए हैं, कलर्स भी अच्छे प्यारे प्यारे। ये प्यारा है आदि, देखो कलर भी खूबसूरत है, मजलिस स्टाइल है ना। ये कितने का भाई? 1,050 का। टेबल भी है इसके साथ। ये ब्लू में देखो आदि, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म स्टाइल। और रीजनेबल प्राइस है, इतनी महंगे भी नहीं है। ये भी बड़ा प्यारा कलर है। मेरा एक्चुअली ड्राइंग रूम भी काफ़ी बड़ा है, तो उस लिहाज से ड्राइंग रूम के लिहाज से ये मुझे जो है ना छोटे छोटे लग रहे हैं सोफे। ये ब्लैक एंड गोल्डन, जो कि बच्चों के घर में ब्लैक एंड गोल्डन चलेगा नहीं। ये भी अच्छा कलर है आदि, बहुत प्यारा कलर है। ये भी रसासी, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो दो हैं, वो ब्लू वाली देखिए आदि, असल में मेरा दिल चाह रहा है सोफा स्टाइल डालने को आदि। ये हाफ है मेरे से, ये ग्रीन देखो, ये भी बहुत प्यारा कलर है और 1,400 इसकी कीमत बता रहा है। नो डॉट के प्राइसें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, कलर भी बहुत प्यारा है। बस हमारे जो मगास है ना, वो साइज़ है ना रूम के हिसाब से, वो देख रहे हैं बस हम। बचपन से यहाँ आ रही हूँ और बचपन से ही ये वैसे का वैसे है राज है, सेम वैसे का वैसे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। आधी राइट पे चलो, हाँ सब वैसे का वैसे है। बंद हुआ है, कहाँ से बंद हुआ है वो देखो, तो यहीं से चलो। नहीं जाते, रॉन्ग है, कोई रॉन्ग नहीं है, ये जद्दा है जद्दा। तो यहाँ से पर्दे लिए थे ना, तो मैं ये हैरान हूँ कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। गलियाँ, रोड सब इसके वैसी, दुकानें सब वैसे के और वैसे, चिप्स वाले घूम रहे हैं। मैं वाकई ही कल यानी कि एक बार पहले चक्कर लगा के गई, फिर अब चक्कर लगाने आई तो मुझे मेरा बचपन ही याद आ गया। तो मैं आदिल को यही बोल रही थी कि हमें अब्बू लेकर आया करते थे बचपन में, और वैसे का वैसे सब कुछ है, चेंज नहीं हुआ है, और बहुत अच्छा लगा। मुझ जैसी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो जद्दा छोड़ के कहीं भी पाकिस्तान में चली गई होंगी, कुछ रियाद चली गई होंगी, कुछ दमाम चली गई होंगी, उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और मुझे 2-3 कमेंट्स आए भी हैं, पिछली जो मेरी वीडियो थी इसकी हैराज की, वो उसमें मुझे 2-3 मेरी बहनों ने कमेंट्स किए हैं कि आज तो आपने यादें जो है ना ताज़ा करा दी हैराज दिखा के, बहुत ही एक ने तो कहा कि रोना आ गया हैराज को देख के, बहुत कुछ याद आ गया। तो ये लैम्प्स वगैरह हैं, इस तरफ लैम्प्स हैं और इस तरफ जो है ना, ये जो है ना वाकई ही सही बात है, जहां आपका बचपन गुजरा हो जिन बाज़ारों में, वहां आप फ्यूचर में घूमने आओ तो वाकई ही बहुत कुछ ताज़ा यादें हो जाती हैं। लेकिन मैं तो यहाँ शादी के बाद तो मेरे इतने चक्कर लगे थे कि अदील और मैं मिलते ही हैराज थे, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी हमारे यही है कि चक्कर पे चक्कर ही लग रहे हैं।
और बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग करते हुए। अपनी पुरानी यादें भी हम बातें भी करते हुए जा रहे हैं कि भाई यार ये दुकान वही की वही है, ये दुकान वैसी की वैसी है। तो बहुत मज़ा भी आ रहा है शॉपिंग करते हुए। और आई होप के मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जो ये वीडियो लाइक भी करेंगी, शेयर भी करेंगी, और उनको बहुत कुछ नज़र भी आ जाएगा कि हाँ हम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, सोफों की तरफ जा रहे हैं ना, राइट। हाँ, राइट पे चलो। और ये जो चौक बना हुआ है ना, ये भी वैसे का वैसे ही है पुराना। ये भी चेंज नहीं हुआ। मौसम अच्छा हो गया माशाल्लाह, धूप एकदम खत्म हो गई, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो है ये एसी की दुकान है, इसके अंदर जो है वो सेकंड हैंड एसी, चूल्हे सब मिलता है, फ्रिज वगैरह। और ये न्यू दुकानें भी हैं एसी की। और ये सारा जो है ना लिखा भी हुआ है बोर्डों के ऊपर कि ये कौन सी सूख है, कौन सी नहीं। ये मेरे ख्याल से ये वाली जो सूख है ये दाब की है, अंदर जाके गोल्ड आएगा सारा। हाँ, और ये टीवी वगैरह। बाकी मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा है जद्दा का हराज, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कुआं है कुआं। और ये मेरे ख्याल से इस तरफ ये कूलर, पानी के एसी, ये टेबल्स हैं। यहाँ सारा पुराना है सामान और इस तरफ नया है। रज़ाइयाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। और मेन चीज़ें यहाँ पे पर्दे सीकर आपको देते हैं बंगाली जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सूडानी बंगाली जो भी बैठे हुए हैं मशीनों वो। मैं पर्दों की तरफ जाऊँगी, मैंने भी अपने कर्टन लेने हैं पैसेज के लिए, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो लोग मशीनें रख के बैठे हैं, जिस तरह का कपड़ा आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपको उसी टाइम सी के देंगे। यानी कि दो दिन बाद, एक दिन बाद आपको सेट करके, और मॉडल उनके पास होते हैं, आप वहीं से चूज़ करके आपको वो सिले सिलाई देते हैं। और बेड शीट, रज़ाइयाँ आपको 170 में, 200 में आपको वो पूरा सेट बना के देते हैं, जो कि मैं कहती हूँ हम लेडीज़ के लिए बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट, बहुत अच्छा गिफ्ट। यानी पूरी बेडशीट आपको एक जैसे कलर की देंगे, एक जैसे बेडशीट भी वही, हाँ बेडशीट भी उसी कलर की होगी, और आपके तकिए, कुशन और जो रज़ाई होगी वो भी उसके अंदर रुई भर के देंगे, बहुत अच्छे से बना के देंगे सेट पूरा। और जो भी आपको कपड़ा चूज़ करना है वो वहीं से आपको, बड़े बड़े थान उनके पास रखे हुए होते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, और वहीं से। ये भी सोफ़े हैं, ये भी न्यू वाले सोफ़े हैं, ये पूरी अंदर की तरफ ये पूरे न्यू सोफ़े हैं। हम जा रहे हैं कर्टन लेने अब, जो बच्चों के रूम के लिए हैं। ये सब बैठे हुए हैं बेडशीट, और यहाँ पे जो है ना बेड, ये तो कारपेट्स हैं, इसके साथ ही बेडशीट और पर्दे के लिए सब बैठे हुए हैं। आपको अपनी मर्ज़ी से जो है ना बना के देते हैं ये सारे। बस ये वाले जो कर्टन है ना, ये जो है ना, ये सारा तो सोफ़ों का जो कुशन, सोफ़ों के पीछे जो बैक का है ना वो वाला कपड़ा होता है। आपको अपनी मर्ज़ी से जो है ना बना के देते हैं। ये है पर्दे, ये है कपड़ा, आप अपनी मर्ज़ी से कपड़ा चूज़ करें। ये जो है ये आप अपनी पसंद की नेटें हैं यहाँ पे, आप अपनी पसंद की नेट लें और पर्दा स्टिच कराएं, या डाइनिंग टेबल के लिए कपड़ा हो, कुछ भी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। वो किचन का बना हुआ है शॉर्ट में, आपकी अपनी मर्ज़ी से बना के देते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये मैं अपनी डाइनिंग टेबल के लिए ले रही हूँ। और ये जो भाई है ना, ये देखें, आप उसी टाइम पर्दे चूज़ करें और आपको उसी टाइम सिलाई जो है ना डिज़ाइन। ये किचन के हैं जी, ये टेलर हैं।
कलर ऑफ वाइट ले लेते हैं ना, ये वाला, ये क्रीमी कलर ना, ये सोफे में भी अच्छा लगेगा। ये वाला भी है क्रीमी कलर आदि, ये और ये एक ही है। ये कलर जो है ये हर सोफों के साथ मैच हो जाता है, डाइनिंग टेबल का कपड़ा भी आराम से मिल जाता है। इस वजह से मैंने ये दो विंडोज जो बाहर की हैं ये चूज़ की है। एक पर्पल लगाऊं फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा ये तो इसके साथ तो हर सोफा जाता है और हर डाइनिंग टेबल कपड़ा मिल जाता है आराम से। क्या एक पर्पल सोफा भी तो है, वो कहाँ जाएगा? पर्पल सोफा डाइनिंग टेबल का कपड़ा भी मैं कटवा लेती हूँ, लगे हाथ। टेबल का कपड़ा लिया और भाई ने सिलाई भी लगा के दे दी फटाफट, यहाँ हो जाते हैं काम फटाफट। काम भी अच्छा है, यस फटाफट काम हो गया है। और आपकी दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम मुसल्लस तो बदले बहुत बसाबा। ये सारा है कपड़ों का एरिया, सारे यहाँ पे ड्रेसेस, पाकिस्तानी कंबल ड्रेसेस हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये सारी एंट्रेंस इस तरफ से भी है दुकानों की, उस तरफ से भी है, दो दो एंट्रेंस है हर दुकान की, हर पोर्शन की इन्होंने जो है वो बनाई हुई है, दो दो एंट्रेंस। हम लेने आए हैं यहाँ पे रूम के लिए कारपेट, और जिसमें मैंने लगानी है मजलिस उस रूम का कारपेट चाहिए। ये है कारपेट, उस दुकान पे काफी महंगे थे तो हम आए हैं दूसरी शॉप पे। क्या साहब भाई, हम दुकानें तो बहुत सारी हैं और हर दुकान पे आला से आला कारपेट रखा हुआ है, लेकिन हम दोनों लोगों को समझ कुछ नहीं आ रहा कि रेट भी बहुत ज़्यादा हैं इनके। हाँ जी, हमने सब कुछ ले लिया है, जो मजलिस वाला रूम है उसका कारपेट भी ले लिया है और ड्राइंग रूम के लिए सोफेस भी लेनी है, सारा कुछ ले लिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके सामान जैसे ही उतरेगा मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। हमने जो बर्ड्स बुक की थी वो हम पिक करने आए हैं, इसको हम लेके गाड़ी में नहीं घूम सकते थे क्योंकि गाड़ी में लेके घूमना, ये जो बर्ड्स वाला से ये आदमी था इसने कहा कि बर्ड्स अंदर उदास हो जाएंगी तो नहीं लो, मर जाएंगी, तो आप लोग हैराज घूम के आ जाओ, फिर वापसी में आप मुझसे आके पिक कर लेना। तो हम अभी उठा रहे हैं जो हमने बर्ड्स बुक की थी, ये इनको रखने के लिए जगह नहीं है तो इसको जो है ना मैं रख रही हूँ अपनी पाँव वाली जगह साइड पे अम्मी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक? हेलो, वो देख रहे हैं कि हम अपनी जगह से मूव होके कहाँ जा रहे हैं। चुप ही रहेंगे क्योंकि उनको अपनी जगह पे। जी ये पर्दे, ये टेबल हमारी गाड़ी हुई हुई है फुल, और जो सोफे हैं वो पहुंच चुके हैं घर तक, और जो है फोन भी आ चुका है गाड़ी वाले का कि मैं करीब ही हूँ। और ये जो थंबनेल में आप लोगों को दिखा होगा कि मेरी अदील से हुई है लड़ाई, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी अदील से जो लड़ाई हुई वो इसी बात पे हुई थी कि
ये जो है घर में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, सोफे नहीं थे, बच्चों को उठ के सुबह कार्टून वगैरह देखने होते हैं, बच्चों को खाना खाना होता है, उसके बाद मुझे भी बैठ के थोड़ा बहुत टीवी देखना होता है। तो आप लोगों को पता है जब बैठने के लिए जगह ना हो, घर वैसे भी शिफ्टिंग में खाली पड़ा होता है, तो बैठने के लिए जब आपको जगह ना हो तो चिड़चिड़ाहट तो हो ही जाती है। और वैसे भी मोहम्मद आजकल इतना चिड़चिड़ा हुआ है कि मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, घर में काफ़ी डिस्टर्बिंग हो रही है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अदील से मेरी बहस भी हो गई थी कि अगर दो रूम आप मुझे नहीं बना के दे रहे अभी फ़िलहाल, तो मुझे पैसेज ही हॉल ही मुझे फ़िलहाल बना के दे दें, सेट करके दे दें, ताकि हम रिलैक्स होके खाने के बाद टीवी देख सकें, थोड़ा बैठ सकें, थोड़ा जो है रिलैक्स कर सकें। यानी अदील के बड़े भाई, उनसे भी आज मैं उनको भी आज मैं दिखाऊंगी, आशा के इनायत के ताया अबू, उनको भी आज मैं दिखाऊंगी, आज वो भी आप लोगों को अपने मेरे व्लॉग में दिखेंगे इंशाल्लाह ताला। और तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय। वो भी पहुँच चुके हैं, वो भी घर पे वेट कर रहे हैं, और अभी हम रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं घर। अभी उन्हीं की कॉल आई थी अदील को, तो वो कह रहे हैं कि मैं घर के नीचे हूँ तो तुम लोग कहाँ हो, तो बस हमें रश मिला है इतना रास्ते में कि गाड़ी जो है ना स्लो स्लो चल रही है, तो बस अभी हम घर पहुंच के फिर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। ओके बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बच्चे हैं ना, ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वाली है, इसमें जो है इसकी खुशबू अच्छी है। और ये डब्बा फिर बंद कर दे बच्चों को खुशबू खेलने को नहीं बोला। अब ये जो है ना, अब ये बंद कर दे डब्बा खुशबू सूंघने, बस ये खुशबू सूंघा करेंगे बेटा हम। के लिए ये है कि बच्चे रफली यूज करेंगे, आराम से रेगुलर बैठे रहेंगे हम लोग यहीं, और टीवी भी सामने ही है, इस वजह से हमने हॉल के लिए डार्क कलर ही उठाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सामान आगे अभी सिमटा नहीं है, ऐसा ऐसा सिमट रहा है। और हमारी ये जो न्यू मेहमान हैं वो यहाँ हमने अभी रखे, बार बार तंग कर रहे हैं, अंदर फिंगर कर करके इनको तंग कर रहा है, ये देखो। और ये काफ़ी खौफ ज़्यादा अभी बैठे हुए बेचारे मोहम्मद। अच्छा, इस रूम का जो है कारपेट लिया था मेरे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सोफे की होगी ओपनिंग जी। सोफे फाइनल हमने सेट कर दिए हैं, ये है सोफों की लुक। और अभी जो है सेंटर कारपेट आना है इसका, अभी पर्दा भी इसका रेड कलर का, क्योंकि आदिल साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ रेड कलर का पर्दा आएगा और रेड कलर का कारपेट आएगा सेंटर। तो ये है फाइनल सोफों की लुक। ये ड्राइंग रूम मैंने यहाँ इस तरह से सेट किया है, अभी ऐसा ऐसा वॉल पर भी सब कुछ आएगा, ऐसा ऐसा सब सेट हो जाएगा। अभी इतना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और कल है फ्राइडे, तो ये जो है पर्दे वर्दे भी कल ही लगेंगे, कल ही ड्रिल का सारा काम होगा। डाइनिंग टेबल पे मैंने कपड़ा ये जो है ना लगा दिया है, और सारा इसी से साफ सफाई भी हो गई है। ये जो पर्दे डाइनिंग टेबल का मैं कपड़ा लाई थी वो भी लगा दिया है, और बस ये छोटे छोटे रैक भी मुझे 10-10 रियाल के मिल गए थे, ये भी मैं ले आई थी हैरासी। और इन तीनों को भी फ्रेश कर दिया है मैं, नाई नाई हो गई है इन लोगों की, फ्रेश हो गई हैं सोने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत पसीना आता है, तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने इनको फ्रेश कर दिया, नहला दिया, और बस। और मैं भी अभी फ्रेश हुई ईशा विशा पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि एक बज चुका है और मैं भी अभी हम लोग काम से फारिग हुए, तो मैंने भी फ्रेश होके जल्दी जल्दी ईशा पढ़ ली, हुई तो कज़ा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं काम करके, और अदील साहब की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है उनको, क्योंकि उनको संडे को ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। तो बस अभी हम सोने की तैयारी में हैं, सोने की दुआ पढ़ोगे, जल्दी से सोने की दुआ पढ़ो, फिर हम करेंगे अपने फ्रेंड्स को अल्लाह हाफिज़। सोने की दुआ पढ़ो।
चले जी, आज का व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। इंशाल्लाह न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, टाटा, बाय बाय।